हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 क्या है और उसे हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो ऑफिस 365 के लिए अगर आपको जानना है क्या होता है तो हम office.com के माइक्रोसॉफ्ट की जो साइट है office.com वहाँ चलेंगे। अगर वहाँ पर हम देखते तो कुछ हमें यहाँ पर हमें कुछ एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर आप अभी यूज़ करते हैं, अगर आप इसको साइन इन करते हो तो यहाँ पर आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट, वन ड्राइव, आउटलुक, टीम, ये कुछ माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं जो हम आपको हमें ऑफिस 365 में हमें यूज़ करने को मिलेंगे ऑनलाइन पे में। इसके बाद अगर हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं तो कुछ हमें एप्लीकेशन भी हैं, कुछ प्रीमियम ऑफिस ऐप्स हैं ऑफिस 365 के, माइक्रोसॉफ्ट के। जैसे अगर टाइप बात करें तो कुछ इसको डिवाइड किया गया अलग अलग टाइप में, जैसे होम यूज़र के लिए भी है, बिजनेस यूजर्स के लिए भी है, एंटरप्राइज के लिए भी है और एजुकेशन के भी है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग हमें मिलता है। तो अभी अगर मेरे को लॉग इन करने का है तो जनरली हम अभी जो अपना सब्सक्रिप्शन लेते हैं फॉर एंटरप्राइज एडिशन के लिए देखा जाता है क्या क्या है। तो हम प्रोडक्ट में चलते हैं, हम यहाँ से देखते हैं इनकी प्लान एंड प्राइसिंग क्या है। तो हम इंडिया में स्विच कर लेते हैं। सो वी हैव थ्री प्लान्स हियर, वन इज E3, E5 एंड 365 F3। ऑफिस 365 E5 प्लान, हम 365 E5 प्लान अपने इंडिया में अवेलेबल नहीं है। हम इसमें देखेंगे क्या क्या प्रोडक्ट्स है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास जो इसमें अवेलेबल होता है हमें। तो गाइज, हमें अगर साइन अप करना है तो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 E3 वर्जन लेते हैं। तो हमें सिर्फ गूगल में जाके ऑफिस 365 E3 ट्राई को एंटर प्रेस करना है और देन हम क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर खुल जाएगा। सो ऑफिस 365 E3 के बारे में जानेंगे तो इट इज़ अ क्लाउड बेस्ड टूल फॉर प्रोडक्टिविटी एप्स एंड सर्विसेज विच इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन एंड कंप्लायंस कैपेबिलिटीज इंक्लूडेड। आपके पास क्या क्या मिलेंगे सारे इस प्रोडक्ट के साथ, आपको क्या क्या मिलेगा आप देख सकते हैं यहाँ पर। हम इसे फ्री ट्रायल लेते हैं। तो हम E3 को सब्सक्राइब करेंगे, इसका सब्सक्रिप्शन को एक फ्री ट्रायल में। सो यू हैव टू मेंशन योर एड्रेस। सो आप अपना पुराना भी यूज़ कर सकते हैं और साथ में चाहे तो नया भी बना सकते हैं। तो हम अभी अपना एक अपना ईमेल आईडी डाल के देखते हैं जो मेरा है। नेक्स्ट करते हैं, सेटअप अकाउंट बोलेगा, अगर नहीं है तो यहाँ पर अपना नाम डालिए, फिर अपना नंबर डाल दीजिए इधर, फिर योर कंपनी नेम। सो मेरा अपना यूट्यूब चैनल है तो मैं अपनी कंपनी का नाम डाल देता हूँ। मैं कंपनी का साइज 2-4% लिख देते हैं। देन और कंट्री इंडिया चूज कर लीजिए। देन क्रिएट नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट। आपको यहाँ पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, सेंड कर दीजिए। सो एक वेरिफिकेशन कोड रिसीव हो चुका है तो अभी हम यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डालेंगे। वेरीफाई कर लेते हैं।
आफ्टर वेरीफाई आप अपना यहाँ पर ईमेल आईडी डाल सकते हैं। तो मैं अपना ईमेल डालने की कोशिश करता हूँ, शिवी के सुवत, देखते ही लेता है कि नहीं। सो इट इज़ अवेलेबल, तो मैं इस पर नेक्स्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा ईमेल आईडी बस कुछ इस तरीके से रहेगा। वेरिफिकेशन आई डी डालने के बाद हम अपना आगे करते हैं। अब यहाँ पर हम यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, तो देखते हैं हमें ये यूज़र मिलता है कि नहीं। तो हम यहाँ पर शिवन डाले हुए हैं, देन इसके बाद पासवर्ड डाल देते हैं। देन इसके बाद हम बोलते हैं साइन अप, आप टिक कर लीजिए और बोलिए साइन अप। तो ये कुछ समय लेगा आपको यहाँ पर आईडी क्रिएट करने के लिए, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो दिस इज़ माय आईडी जिसके थ्रू मैं लॉगिन करूँगा। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो shivendra@shivvks1.onmicrosoft.com आप इसे सेव करके रख सकते हैं, या आपको या कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। मैं अपने एक नोट पैड में से नोट कर लेता हूँ जिससे मुझे याद रहे ये। तो जैसे आप चलते हैं सेटअप के लिए। सो ये मेरा अपना एडमिन सेंटर आ चुका है जहाँ से हम इसको पूरा मैनेज करेंगे, जैसे होम, यूज़र, ग्रुप्स, बिलिंग सेटअप। आप और आगे जाए देखते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। तो करेंटली आई एम इन होम। सो इस तरीके से हम लोग अपना यूज़र सेटअप कर सकते हैं। और मेरे आगे तो इस तरीके से हमने अपना यूज़र सेटअप कर लिया है अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 में। आने वाले वीडियो में हम इसके बाकी के प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और नए चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।